गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अनिल के शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओरेकल टेक इंडिया। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डेटाबेस में सेकेंडरी इंडेक्स और मल्टी लेवल इंडेक्स को समझेंगे। तो फिजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन का ये मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर है। तो चलिए समझते हैं कि सेकेंडरी इंडेक्स और मल्टी लेवल इंडेक्स क्या है। सेकेंडरी इंडेक्सिंग, तो सेकेंडरी इंडेक्सिंग जो है, सेकेंडरी इंडेक्स प्रोवाइड्स ए सेकेंडरी मीन्स ऑफ एक्सेसिंग ए फाइल फॉर विच सम प्राइमरी एक्सेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो किसी भी टेबल के लिए, डेटाबेस की किसी भी टेबल के लिए उसके प्राइमरी की के ऊपर जब इंडेक्सिंग क्रिएट करते हैं तो उसको प्राइमरी इंडेक्स बोलते हैं। तो उस टेबल पे प्राइमरी इंडेक्स ऑलरेडी क्रिएटेड है, बट उसी टेबल पे हम उस प्राइमरी की वाले कॉलम को छोड़ करके किसी दूसरे नॉन प्राइम की वाले कॉलम के ऊपर हम जब सेकेंडरी इंडेक्सिंग क्रिएट कर देते हैं तो उसको सेकेंडरी इंडेक्स या फिर सेकेंडरी इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक डायोग्राम है और इस डायोग्राम में हमारे पास आईडी है। आईडी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या है, एक प्राइमरी की है। ये जो टेबल है, इस टेबल को हम कोई भी टेबल मान लेते हैं। लेट सपोज एम्प्लॉय टेबल मान लेते हैं। तो एम्प्लॉय टेबल का ये कॉलम है आईडी, ये प्राइमरी की वाला कॉलम है। नेम ये दूसरा कॉलम है, एज ये तीसरा कॉलम है और सैलरी ये चौथा कॉलम है। तो आईडी वाले कॉलम पे जो इंडेक्सिंग की हुई है, इंडेक्स क्रिएट की हुई है, इसको प्राइमरी इंडेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, ये प्राइमरी इंडेक्स है। दैट मीन्स कि इस एम्प्लॉय वाले टेबल पे ऑलरेडी प्राइमरी इंडेक्स क्रिएट की हुई है, बट इस प्राइमरी की वाले कॉलम को छोड़ करके नेम, एज और सैलरी ये तीनों ही जो है नॉन प्राइम की कॉलम है। तो नॉन प्राइम की कॉलम में इसमें हम किसी के ऊपर सेकेंडरी इंडेक्सिंग को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज जो है ये नॉन प्राइम की कॉलम है, तो इस एज के ऊपर जो है प्राइमरी सॉरी इस एज के ऊपर सेकेंडरी इंडेक्सिंग जो है क्रिएट की गई है। तो यहाँ पे एज की जितनी भी वैल्यू होगी, 20 21 35 24 40 21 24 40 20, ये सब क्या है, सेकेंडरी इंडेक्सिंग की जो है सर्च की है। तो ये सर्च की है, तो एक इंडेक्स टेबल में जो है हमें क्या करना है, इस एज वाले कॉलम से रिपीटेड वैल्यू को नहीं, केवल यूनिक वैल्यू को उठा करके जो है इंडेक्स वाले टेबल में डालना है। तो यहाँ पे जो है एक सेकेंडरी इंडेक्स का टेबल है और इस सेकेंडरी इंडेक्स के टेबल पे एज वाले कॉलम की जो वैल्यू है, जो यूनिक वैल्यू है, उस यूनिक वैल्यू को उठा करके इस सेकेंडरी इंडेक्स वाले टेबल में डाल दी गई है। तो 20 21 35 और 24, तो 20 21 24 35 और 40, ये जो है ये एज वाले कॉलम में सारे यूनिक वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एम्प्लॉय टेबल के ऊपर एक तो इंडेक्स बनाई गई है प्राइमरी की आईडी के ऊपर, तो इसको प्राइमरी इंडेक्सिंग बोलते हैं। और दूसरी जो इंडेक्स बनाई गई है वो एज वाले कॉलम के ऊपर बनाई गई है, तो इसको सेकेंडरी इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे सेकेंडरी इंडेक्सिंग प्रोवाइड्स ए सेकेंडरी मीन्स ऑफ एक्सेसिंग ए फाइल। तो यहाँ पर सेकेंडरी इंडेक्स क्या करेगा, प्राइमरी इंडेक्स तो किसी भी फाइल को एक्सेस करने में हेल्प करेगी करेगी,
बट सेकेंडरी इंडेक्स भी जो है किसी भी फाइल को एक्सेस करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे कह रहा है सेकेंडरी इंडेक्स जो है ये सेकेंडरी मीन्स ऑफ एक्सेसिंग ये फाइल प्रोवाइड करता है और फॉर विच सम प्राइमरी एक्सेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, जिसके लिए प्राइमरी इंडेक्स ऑलरेडी बनी हुई है। तो सेकेंडरी इंडेक्स मे बी ऑन कैंडिडेट की फील्ड और नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट ऑफ ए टेबल। तो सेकेंडरी इंडेक्स हम क्रिएट करते हैं कहाँ पे, किसी भी टेबल के नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट पे, किसी भी टेबल के कैंडिडेट की वाले फील्ड पे। तो यहाँ पे ये टेबल है एम्प्लॉय टेबल, और एज वाला जो कॉलम है हमारा, एज वाला जो एट्रीब्यूट है हमारा, ये नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट है। तो सेकेंडरी इंडेक्स को इसके ऊपर क्रिएट जो है की गई है। तो आगे जो है टू रिट्रीव ए रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट, सेकेंडरी इंडेक्स कैन बी यूज्ड फॉर फास्ट सर्चिंग। तो अब जो है नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट के बेसिस पे अगर हम किसी भी रिकॉर्ड को रिट्रीव करना चाहते हैं तो सेकेंडरी इंडेक्स को हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो है वो रिकॉर्ड जो फेच करके लाएगा वो सर्चिंग जो है बहुत फास्ट हो जाएगी। तो कैसे, तो सेकेंडरी इंडेक्स का जो एग्जांपल है वो ये है कि लेट सपोज एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है और उसमें हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट को चलाया है। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, सिलेक्ट ईएमपी नेम, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम फ्रॉम ईएमपी टेबल वेयर एज इक्वल टू 21। तो यहाँ पे वेयर क्लाउज में मैंने एज इक्वल टू 21 जो स्पेसिफाई किया है इसको सेकेंडरी इंडेक्स बोलते हैं। मतलब ये सेकेंडरी इंडेक्स को यूज करके रिकॉर्ड को जिसकी एज 21 है उस एज वाले रिकॉर्ड को तुरंत जो है डिस्प्ले करा देगा। तो सेकेंडरी इंडेक्स मस्ट बी डेंस विद एन इंडेक्स एंट्री फॉर एवरी सर्च की वैल्यू एंड ए पॉइंटर टू एवरी रिकॉर्ड इन ए फाइल। तो जब हम सेकेंडरी इंडेक्स क्रिएट करते हैं तो उस सेकेंडरी इंडेक्स के ऊपर डेंस इंडेक्सिंग जरूर होनी चाहिए। तो स्पार्स और डेंस इंडेक्सिंग क्या है इसके जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने समझाया है, तो आप चाहे तो वहां पर जा करके डेंस और स्पार्स इंडेक्सिंग को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सेकेंडरी इंडेक्स के ऊपर जो है, दैट मीन्स कि सेकेंडरी इंडेक्स के ऊपर जो है डेंस इंडेक्सिंग जरूर होनी चाहिए। दैट मीन्स कि जो सेकेंडरी इंडेक्स जो है हमने सेकेंडरी इंडेक्स जो मैंने क्रिएट की है एज वाले कॉलम के ऊपर, तो इस एज की जितनी भी वैल्यू है उसकी यूनिक वैल्यूज सेकेंडरी इंडेक्स में जो है उस यूनिक वैल्यू के लिए, उस यूनिक एवरी सर्च की वैल्यू के लिए जो है सेकेंडरी इंडेक्स वाले टेबल में उस वैल्यू की एंट्री जरूर होनी चाहिए। मल्टी लेवल इंडेक्स, इंडेक्स रिकॉर्ड्स कंप्राइज सर्च की वैल्यूज एंड डेटा पॉइंटर्स। तो जो इंडेक्स रिकॉर्ड होते हैं, जो इंडेक्स टेबल होते हैं, वो सर्च की वैल्यूज को अपने पास रखते हैं, डेटा पॉइंटर्स को अपने पास रखते हैं। तो कैसे, लेट सपोज एक टेबल है, उस टेबल का नाम है एम्प्लॉय टेबल। तो उस एम्प्लॉय टेबल पे अगर मुझे कोई इंडेक्स क्रिएट करनी है तो वो उस टेबल के कॉलम्स पे इंडेक्स क्रिएट होगी। तो लेट सपोज कॉलम का नाम है एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी पे इंडेक्स क्रिएट होगी। तो उस इंडेक्स के लिए जो सर्च की वैल्यू होगी वो एम्प्लॉय आईडी की सारी वैल्यू होगी। तो इंडेक्स टेबल जो है वो उसी सर्च की वैल्यूज, वो उसी एम्प्लॉय आईडी की वैल्यूज को अपने पास रखते हैं और साथ ही साथ डेटा पॉइंटर्स भी रखते हैं,
और हर डेटा पॉइंटर जो है उस टेबल के एवरी रिकॉर्ड को जो है इंडिकेट करता है। मल्टी लेवल इंडेक्स इज स्टोर्ड ऑन द डिस्क अलॉन्ग विद द एक्चुअल डेटाबेस फाइल्स। तो मल्टी लेवल इंडेक्स टेबल जो है वो टेबल जा करके स्टोर होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे, और उसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे डेटाबेस की फाइल भी स्टोर होती है। तो डेटाबेस की फाइल जैसे कि मैंने अभी एम्प्लॉय टेबल जो है बताया है, तो वो एम्प्लॉय टेबल क्या है, एक डेटाबेस फाइल है। तो वो डेटाबेस फाइल भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे ही जा करके स्टोर होगी। एज द साइज ऑफ द डेटाबेस ग्रोस, और जैसे जैसे डेटाबेस का जो है साइज बढ़ेगी, डेटाबेस की साइज बढ़ेगी, सो डज द साइज ऑफ द इंडाइसेस, वैसे वैसे इंडेक्स टेबल की साइज भी बढ़ेगी। तो देयर इज एन इमेंस नीड टू कीप द इंडेक्स रिकॉर्ड्स इन द मेन मेमोरी सो एज टू स्पीड अप सर्च ऑपरेशंस। अब मुझे कोई डेटा जो है डेटाबेस से फेच करनी है, तो उस डेटा के लिए जो सर्च ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यानी कि जो सर्च ऑपरेशन परफॉर्म होगी, तो वो सर्च ऑपरेशन जो है स्पीडली परफॉर्म तभी कर पाएगी, बहुत तेजी से परफॉर्म तभी कर पाएगी जब उस मल्टी लेवल इंडेक्स टेबल को मेन मेमोरी में ला करके रखेंगे। तो इफ मल्टी लेवल इंडेक्स इज यूज्ड, अगर हम मल्टी लेवल इंडेक्स को यूज करते हैं, देन लार्ज साइज इंडेक्स कैन नॉट बी केप्ट इन मेमोरी विच लीड्स टू मल्टीपल डिस्क एक्सेसेस। अगर हम मल्टी लेवल इंडेक्स को यूज करते हैं, तो जो लार्ज साइज इंडेक्स टेबल है, वो लार्ज साइज इंडेक्स टेबल जो है मेन मेमोरी के अंदर फिट नहीं हो सकती है, वो नहीं आ सकती है। तो इसके लिए फिर क्या होगा कि जो मल्टी लेवल इंडेक्स है वो हेल्प करेगी ब्रेकिंग डाउन द इंडेक्स, वो हेल्प करेगी मल्टी लेवल इंडेक्स जो है वो इंडेक्स को जो है सेबरल स्मॉलर इंडेक्सेस में तोड़ने में हेल्प करेगी इन ऑर्डर टू मेक द आउटर मोस्ट लेवल सो स्मॉल दैट इट कैन बी सेव्ड इन सिंगल डिस्क ब्लॉक विच कैन इजीली बी एकोमोडेटेड एनी वेयर इन द मेन मेमोरी। तो मल्टी लेवल इंडेक्स क्या करेगी, वो इंडेक्स जो मल्टी लेवल के फॉर्म में है, उस इंडेक्स को जो है सेबरल स्मॉलर इंडेक्सेस में उसको ब्रेक डाउन कर देगी, और ब्रेक डाउन करके आउटर मोस्ट लेवल को बना देगी। मतलब आउटर मोस्ट लेवल का मतलब है कि मल्टी लेवल इंडेक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे इंडेक्सेस में तोड़ देगी। तो वो जो छोटे छोटे इंडेक्सेस है उसको आउटर मोस्ट लेवल इंडेक्स बोलते हैं। तो उस आउटर मोस्ट लेवल इंडेक्स को सिंगल डिस्क ब्लॉक भी बोलते हैं। तो उस सिंगल डिस्क ब्लॉक को फिर आसानी से मेन मेमोरी में जो है लाया जा सकता है, और जो है सर्च ऑपरेशन फिर जो है बहुत तेजी से परफॉर्म होगी। इफ इवन आउटर इंडेक्स इज टू लार्ज टू फिट इन मेन मेमोरी। अब जो है जो आउटर इंडेक्स है, जो आउटर मोस्ट लेवल इंडेक्स है, या जो सिंगल डिस्क ब्लॉक वाला जो इंडेक्स है, अगर वो भी बड़ा है, मेन मेमोरी में फिट नहीं हो रहा है आने के लिए, तो उसको भी तोड़ करके एक अनदर लेवल ऑफ इंडेक्स को क्रिएट कर लिया जाता है ताकि वो मेन मेमोरी में फिट हो जाए। और अगर वो जो है अनदर लेवल ऑफ इंडेक्स भी मेन मेमोरी में फिट नहीं हो रही है, अनदर लेवल ऑफ इंडेक्स का जो टेबल है वो मेन मेमोरी में फिट नहीं हो रही है, तो उसको भी तोड़ करके और छोटा इंडेक्स जो है बना लिया जाता है। तो इस तरीके से मल्टी लेवल इंडेक्स में जो है जो है सर्च ऑपरेशन को
परफॉर्म करते हैं, सर्च ऑपरेशन परफॉर्म होती है। यहाँ पे हमारे पास मल्टी लेवल इंडेक्सिंग का एक डायोग्राम है, एक टेबल है, एक एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल को देख करके समझते हैं कि मल्टी लेवल इंडेक्सिंग को कैसे तोड़ा गया है। तो इस डायग्राम में मल्टी लेवल इंडेक्सिंग को दो लेवल तक तोड़ा गया है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है 235, 55, 85, ये जो है ये आउटर लेवल है, और यहाँ पे चार और इंडेक्स टेबल है, इसको इनर लेवल बोलते हैं। तो आउटर लेवल पे जो इंडेक्स टेबल में ये वैल्यू डाली गई है, ये स्पार्स इंडेक्सिंग के रूल को फॉलो करके ये वैल्यू डाली गई है। तो स्पार्स इंडेक्सिंग क्या होती है, ये मेरे इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप उसे जा करके देख सकते हैं। तो स्पार्स इंडेक्सिंग में क्या होता है कि इंडेक्स टेबल में हम एवरी सर्च की वैल्यू के लिए इंडेक्स टेबल में वैल्यू की एंट्री नहीं करते हैं। कुछ सर्टेन रेंज वाली वैल्यू जो है इंडेक्स टेबल में एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे 235, 55, 85 क्या है, ये एक रेंज वाली वैल्यू है। तो यहाँ पे जो है 2 और 35 के बीच में सारी सर्च की वैल्यू आएगी, 35 से लेकर के 55 के बीच में सारी सर्च की वैल्यू आएगी, 55 से 85 के बीच में सारी सर्च वैल्यू आएगी। तो जो सर्च वैल्यू 2 है उसके लिए एक अलग से इंडेक्स टेबल क्रिएट की गई है। तो इस इंडेक्स टेबल में 2 से लेकर के 35 के बीच में जितनी भी सर्च वैल्यू है वो आएगी। उसके बाद 35 से लेकर के 55 के बीच में जितनी भी सर्च वैल्यू है उसके लिए एक दूसरी इंडेक्स टेबल क्रिएट की गई है। तो यहाँ पे जो है 35 से लेकर के 55 के बीच में वैल्यू आ रही है। इसके बाद 55 से 85 के बीच में जितनी भी सर्च वैल्यू आएगी उसके लिए एक थर्ड इंडेक्स टेबल क्रिएट की गई है, और 85 के लिए जो है एक फोर्थ इंडेक्स टेबल क्रिएट की गई है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इंडेक्स टेबल है इसमें जो सर्च की वैल्यू है वो है 2, 8, 15 और 24। तो 2, 8, 15 और 24 जो है ये 2 से लेकर के 35 के बीच में जो है ये सर्च की वैल्यू है। इसके बाद दूसरे इंडेक्स टेबल में जो है 35, 39, 44, 51 जो सर्च की वैल्यू है, ये 35 से लेकर के 55 के बीच में ये वैल्यू आई हुई है। इसके बाद जो है थर्ड इंडेक्स टेबल में जो है 55, 63, 71, 80 जो वैल्यू आई हुई है, ये 55 से लेकर के 85 के बीच में ये वैल्यू आई है। और चौथे इंडेक्स टेबल में जो है 85 सर्च वैल्यू के लिए यहाँ पे वैल्यू आई है। तो फर्स्ट टेबल में जो है 2, 8, 15 और 24 जो सर्च वैल्यू की है, ये 2, 8, 15, 24 वाले रिकॉर्ड को इंडिकेट करेंगे डेटाबेस के टेबल में। तो यहाँ पे 2 के आगे ये पॉइंटर है, तो 2 के आगे जो पॉइंटर है वो 2 वाले रिकॉर्ड को इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे 8 जो सर्च की वैल्यू है पहले वाले टेबल में, इसके आगे जो पॉइंटर है ये 8 नंबर के रिकॉर्ड को जो है इंडिकेट कर रहा है। 15 वाले वैल्यू के लिए ये पॉइंटर 15 वाले रिकॉर्ड को इंडिकेट कर रहा है। 24 वाली वैल्यू के लिए यहाँ पे जो पॉइंटर है 24 वाले रिकॉर्ड को इंडिकेट कर रहा है। तो इसी तरीके से दूसरे इंडेक्स टेबल में 35, 39, 44 और 51 ये डेटाबेस के टेबल में 35, 39, 44, 51 वाले रिकॉर्ड को इंडिकेट कर रहे हैं। और जो है तीसरे इंडेक्स टेबल में जो है 55, 63, 71, 80 जो सर्च की वैल्यू है, ये डेटाबेस टेबल में 55, 63, 71, 80 वाले रिकॉर्ड को इंडिकेट कर रहे हैं। और फोर्थ इंडेक्स टेबल में जो 85 की वैल्यू है, ये 85 वाले रिकॉर्ड को इंडिकेट कर रही है। ट्री बेस्ड इंडेक्सिंग,
तो ट्री बेस्ड इंडेक्सिंग इज यूज टू स्पीड अप एक्सेस टू डिजायर डेटा। तो डेटाबेस से किसी भी डेटा को स्पीडली एक्सेस करने के लिए ट्री बेस्ड इंडेक्सिंग टेक्निक यूज की जाती है। तो इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट डायनेमिक मल्टी लेवल इंडेक्सिंग, बी ट्री एंड बी प्लस ट्री आर जनरली यूज्ड। तो मल्टी लेवल इंडेक्सिंग को ट्री बेस्ड इंडेक्सिंग में इम्प्लीमेंट करने के लिए बी ट्री और बी प्लस ट्री को जनरली यूज किया जाता है। तो इन ट्री बेस्ड इंडेक्सिंग में जो है, सर्च स्टार्ट्स एट द रूट नोड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन दैट आर सेटिस्फाइड एट द नोड अंडर एग्जामिनेशन। ए ब्रांच इज मेड टू वन ऑफ द सेबरल नोड्स एंड द प्रोसीजर इज रिपीटेड अंटिल ए मैच इज फाउंड और लीफ नोड इज फाउंड। तो ट्री बेस्ड इंडेक्सिंग में जो है, एक रूट नोड होता है जो सबसे टॉप पे होता है, फिर उसके चाइल्ड नोड होते हैं, फिर उसके चाइल्ड नोड होते हैं, और जिस चाइल्ड नोड के नोड नहीं होते हैं उसको लीफ नोड बोलते हैं। तो जब हम कोई भी किसी भी डेटा को डेटाबेस से फेच करने के लिए जब हम कोई कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, तो उस कंडीशन के लिए जब सर्च ऑपरेशन जो है ट्री बेस्ड इंडेक्सिंग में चलता है, तो वो सर्च ऑपरेशन रूट नोड से स्टार्ट हो करके सारे नोड पर घूमता है, और जहाँ पे उसको जो डेटा को फेच करने के लिए हमने जो कंडीशन लगाई है वो कंडीशन जहाँ पे मैच कर जाती है वहाँ से डेटा को उठा करके हमें रिटर्न कर देता है। तो लीफ नोड इज लास्ट नोड। लीफ नोड जो है वो लास्ट नोड होता है बियॉन्ड विच देयर आर नो मोर नोड्स अवेलेबल। तो उस लीफ नोड के बाद जो है आगे कोई जो है और नोड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, और लीफ नोड पे ही जो है डेटा पड़ा हुआ होता है। तो फिजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन का मेरा ये वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।